नमस्कार, मैं हूँ प्रिया सिंह और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। आइए देखते हैं हरलाखी प्रखंड के कुछ खास खबरें। हरलाखी प्रखंड मत्स्य जीवी सहयोग समिति लिमिटेड कमलावर पट्टी के चुनाव को क्षेत्र से सरगर्मी तेज हो चुकी है। नाम वापिस के बाद सभी प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी सह वीडियो कृष्णा मुरारी ने बताया कि सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। आगामी 28 जून को मतदान प्रखंड कार्यालय परिसर में ही कराया जाएगा। इसके लिए 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष मंत्री सहित कुल 13 पदों के लिए चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक मंत्री व 11 प्रबंध करणीय सदस्य पद निर्धारित हैं। प्रबंध करणीय सदस्यों में 5 पद महिला के लिए आरक्षित है। उन्होंने बताया कि नाम वापसी के बाद 27 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं, जिसमें मंत्री व अध्यक्ष पद में 2-2 उम्मीदवार हैं। चुनाव में कुल 1516 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के पश्चात 28 जून को ही ई किसान भवन में मतगणना का कार्य संपन्न होगा। बेनीपट्टी ALTF-3 की टीम स्थानीय पुलिस के सहयोग से हरलाखी थाना क्षेत्र में लगातार छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान मनोहरपुर गांव में 65 बोतल शराब के साथ एक महिला धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। महिला की पहचान परीक्षण मुखिया की पत्नी गीता देवी के रूप में हुई है। कार्रवाई का नेतृत्व ALTF टीम के प्रभारी शेतनाथ प्रसाद कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक ALTF टीम को पटना मध्य निषेध विभाग से थाना क्षेत्र के कई गांव में छापेमारी करने का निर्देश मिला है। इसके बाद ALTF की टीम थाना क्षेत्र के कई गांव में छापेमारी कर रही है, जहां मनोहरपुर गांव में घर में रखकर शराब बेचने वाली महिला धंधेबाज को 65 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रभारी थाना अध्यक्ष उपेंद्र प्रसाद ने बताया कि महिला को न्यायिक प्रक्रिया के लिए न्यायालय भेज दिया गया है। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत फुलहर पंचायत में पीएम आवास वितरण में अनियमितता के विरुद्ध एक ग्रामीण के शिकायत को दूर करने के लिए आम सभा का आयोजन किया गया। आवास पर्यवेक्षक विद्यानंद प्रसाद की उपस्थिति में आम सभा की अध्यक्षता मुखिया बीना देवी ने की। आम सभा में कई वार्ड सदस्य सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे, जहां सबसे पहले ग्रामीण की शिकायत पर विचार विमर्श किया गया। ग्रामीण ने शिकायत किया था कि आवास ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है जो इस आवास के योग्य नहीं है। आम सभा के दौरान सर्वसहमति से ग्रामीण के शिकायत को निराधार बताते हुए निपटारा कर दिया गया। आम सभा को संबोधित करते हुए पर्यवेक्षक ने कहा कि शिकायत निपटारे के बाद सभी लाभुक अपने आवास निर्माण का कार्य तेजी से शुरू करेंगे। राशि उठाव के बाद आवास निर्माण में लापरवाही पाए जाने पर लाभुक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। आम सभा में स्थानीय समाज सेवी रंजीत ठाकुर और PRS सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। हरलाखी थाना क्षेत्र के कौवाहा गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें महिला समेत 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज उमगांव के CHC में चल रहा है। घायलों की पहचान कोआहा गांव के ही विजय कुमार राउत, उसकी पत्नी रीता देवी व पुत्र विनोद कुमार राउत के रूप में हुई है। घायल विजय कुमार राउत ने बताया कि उसका छोटा भाई दिनेश कुमार राउत गांव में उसके खेत से मिट्टी काटकर आरी दे रहा था, जहां उसे मना करने गया तो मारपीट करने लगा। जान से मारने की नीयत से कुदाल से हमला कर दिया, जिसमें वे और उसकी पत्नी और बेटे भी घायल हैं। उसके बाद सभी घायलों का उमगांव CHC में इलाज कराया गया। भूमि विवाद के निपटारे को लेकर गांव में पंचायत हुई, लेकिन उसके भाई ने पंचायत के फैसले को नहीं माना। उसके बाद फिर उसके भाई ने घर में घुसकर उन लोगों के साथ मारपीट की और पत्नी की साड़ी फाड़ कर बेनग्न कर दिया। वही मंगलसूत्र व कान से सोने की बाली भी छीन लिया। किस लिए मारपीट हुआ झगड़ा? कल सर खेत का विवाद में जो है तो आग देने गया, 2 आदमी को भेजा मेरा पिताजी, रस्सी लेके बांटा गया जमीन को। इसके बाद है तो अपना जमीन में ऐड दे रहा था रही वाले, उसके बाद हम उसको रोका गया। उसने क्या किया, कोदाली लेके मेरे को मारा। यहाँ कट गया है, 7 टका लगा हॉस्पिटल में। मेरा बेटा भी था और मेरा पत्नी भी था। इसी के कारण आज मैं फिर आरी पर माटी चढ़ा रहे थे। दोनों बाप बेटा, हमारी पत्नी घर में था, इनको जो है तो हमारे दिनेश भाई ने, छोटा भाई और उनकी पत्नी, दोनों आदमी ने इसको फोन करके भेज दिया। इसलिए हम दोनों पुतों के भी लेके आए हैं, साथ में बेटा भी है, मैं भी हूँ, मेरा ससुर भी है, मेरा साला भी है, सब हाजिर है। क्या नाम हुआ आपका? नाम विजय कुमार राव। घर? घर तो वहाँ। भैया एक पैकेट चाय पत्ती का देना। ये लीजिए चाय पत्ती। भैया मुझे कनीस की चाय पत्ती चाहिए। क्यों? कनीस चाय पत्ती में ऐसा क्या है जो आपको वो ही चाहिए? कनीस चाय दुनिया की पहली GMP सर्टिफाइड चाय पत्ती है, जो कड़क और खुशबूदार होने के साथ एकदम नेचुरल और प्योर है, जो रिफ्रेशिंग टेस्ट देती है। और एक बार इसको कोई पी ले तो कोई दूसरी चाय अच्छी नहीं लगती। कनीस चाय प्रीमियम क्वालिटी वाली चाय है, जिसमें ऑर्थोडॉक्स होता है, जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और डॉक्टर भी ऑर्थोडॉक्स के सेवन की सलाह देते हैं। कनीस चाय को आसाम के बागानों से चुनकर लाया जाता है और नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। अरे वाह,
तब तो मैं भी आज से अपने घर कनीस चाय ही लाऊंगा। और ये लीजिए आपकी कनीस चाय पत्ती। आप भी आज ही कनीस चाय पत्ती लाइए और चाय का असली टेस्ट पाइए। कनीस प्रीमियम टी, दिल की बात जुबां पे। मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।